आप तो मेरी हालत से पहचान गए होंगे कि गुड मॉर्निंग हुई है अभी भी. आई डोंट हैव टू से गुड मॉर्निंग एंड डू आई डोंट नो जितने लोग की वीडियो देख रहे होंगे उनकी अभी मॉर्निंग होगी या रात होगी, लेकिन गुड मॉर्निंग मेरी तो मॉर्निंग ही है. और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि आज मेरा नौकर नहीं आया जो कि मेरे लिए कुकिंग भी करता है. मैंने अपना आज का व्लॉग पूरे दिन का प्लान करके रखा हुआ है. कंटेंट मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उससे पहले मुझे ऑफकोर्स कुछ खाने की जरूरत थी और तैयार होने की जरूरत थी. जैसे मैं उतर के नीचे आई तो मुझे पता चला कि मेरा कुक नहीं आया क्योंकि उसके पेट में दर्द है, और उसके पेट के दर्द की वजह से मेरे पेट में दर्द होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी आई एम सफरिंग फ्रॉम सम स्टमक प्रॉब्लम जिनकी वजह से मैं भाई का खाना नहीं खा सकती, तो मैं बाहर ऑर्डर ही नहीं कर सकती. और ये जो मेरी दोस्त वीडियो बना रही है ना वो ऐसे ऐसे कर रही है तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, इनकेस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहां जा रहा है. अच्छा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पेट में मसला है, उसके भी तो वो आया नहीं और मेरे भी तो मैं बाहर से मंगवा नहीं सकती, तो अब क्या किया जाए, अब खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा. और मैं सुबह रोटी खाती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बताऊँ क्या है. I know a lot of people are gonna probably not like me for this, but I don't know how to make a roti. Okay, I've seen my mom making it a few times, and of course, जो मेरा cook आता है, मैंने उसको देखा है बहुत दफा बनाते हुए, लेकिन मैंने खुद ना कभी attempt किया है और ना कभी मैंने तो गौर से देखा है. लेकिन अब क्योंकि मजबूरी है और जरूरी भी है, बाहर से तो खा नहीं सकती, तो मैं खुद ही बनाने की कोशिश करूंगी. एंड आई थॉट कि मैं इस चीज को भी अपने ब्लॉग में डाल ही रहूं. बाद में जो होना है, जो मैंने आपसे कंटेंट सोच के रखा है, वो तो यू गाइस विल सी. लेकिन मैं रोटी कैसे बनाती हूँ और कैसे खाती हूँ, जिसकी वजह से पूरे दिन मेरे पेट में क्या क्या मसले होने वाले हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में मसले होते हैं और आप लोग सोचते हैं मसले कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को फॉलो अप करवाती जाऊँ. ओके, तो सबसे पहले तो मैं, चलो रुको, पहले मैं आटा निकालती हूँ. गुदा हुआ आटा पड़ा हुआ है, वो उसने गूंद के रखा हुआ है. ओके, तो ये मेरे ख्याल से एक रोटी के लिए काफी होगा. एंड मुझे ये, मुझे ये पता है कि इसके ऊपर ये लगाते हैं, अल्लाह मैं बहुत कुछ बुरा काम करने वाली हूँ. अब ये चूल्हा जो है ना, ये वैसे मैं चूल्हा जलाने से वैसे भी डरती हूँ, लेकिन ये वाला चूल्हा जलाने से मैं और भी ज्यादा डरती हूँ. उसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा जोर से जलता है. या वैसे तो मैं माचिस फेंकती हूँ उधर, लेकिन इस वक्त वो काम नहीं हो सकता क्योंकि माचिस मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रही. आपको आ रही है माचिस कहीं पे नजर, कुछ पता है? ओहो, ये तो बहुत बड़ा मसला है. अल्लाह मियाँ, मैं बहुत ज्यादा डरने वाली हूँ, बहुत ज्यादा डरने वाली हूँ. रुके, मुझे माचिस ढूंढ लेते हैं, एक मिनट, मैं माचिस ढूंढ के वापस आई. उसमें तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन मेरी वो प्यारी सी रोटी जली हुई जो मैं बनाने वाली हूँ वो तो मेरी नजर आनी चाहिए. तो मैं ये जो मैंने लेकर के रखा हुआ था, जो आप लोग पहली ब्लॉग में देख चुके होंगे, ओप्स, 1 2 3, इसको सबसे ब्राइट करके मैं जरा कैमरे के ऊपर लगा दूं ताकि मैं थोड़ी और नजर आ सकूं. ओके, थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट आया होगा अगर ज्यादा नहीं तो, वरना मेरी साइकोलॉजिकल सारे साथियों के लिए काफी अच्छा. अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ चूल्हा जलाना मेरे तरीके. जो लड़कियां चूल्हा जलाने से डरती हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत करीब जाती हैं आग के, तो वो खुद जल सकती हैं, या फिर बस उनको कुछ फोबिया है, वो मेरी तरह से चूल्हा जला सकती हैं. और आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों उतना डर रही थी. जब आप लोग जलते हुए देखेंगे, आप लोग खुद रियलाइज करेंगे. अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह. यहाँ पे आस पास जो बाहर की रोटियां मिलती है ना, वो खमीरी रोटी टाइप को चीज यहाँ पे मिलती है,
जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं है, वो बहुत मोटी होती है. तो ये यार अभी तक कुछ सही बन रहा है, कुछ गोल मटोल. इससे आगे क्या करना होता है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से इसके ऊपर लगाना होता है ना. प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम पीपल, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट इवन क्लोज टू अ बिगिनर और अ लर्नर. सो दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट दैट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. और ये मेरी खराब है इसलिए मुझे इतना झुकझुक के होना पड़ रहा है, बंद नहीं होती. ओके तो अगर बीच में कहीं इसके अंदर भी टकरा गई तो मुझे माफ करिएगा. अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मोटा पेड़ा ले लिया, लेकिन चले कोई बात नहीं. अच्छा जी, मैंने पेड़े को बिल्कुल भी सही से अभी तक जो है वो नहीं आई थिंक बंद किया. मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा आटा लगा रही हूँ. अच्छा मैंने एक दफा पहले बचपन में रोटी बनाना ट्राई की हुई है, मुझे तब भी याद है कि मैं ये आटा इतना ज्यादा लगा रही थी उसके ऊपर ताकि मेरा पेड़ा टूटे नहीं, और अभी भी मैं वही काम कर रही हूँ. दिस इज अ गुड एक्सरसाइज यार, इसका कुछ करना पड़ेगा. पता है ये बहुत ही अनोइंग चीज है, बीच में एक तो खराब रोटी बनाने का डर अलग, ऊपर से इस पे सर लगने का डर अलग. मेरे ख्याल से एक तो पूरी व्लॉग इसके ऊपर ही बन सकती है. आई डोंट नो हाउ टू मेक अ रोटी यार, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको और बड़ी करते करने का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो इसका गोल गोल है ना मुझसे खराब हो जाएगा. वैसे नॉट बैड, हाँ शेप पहली बारी के लिए. अल्लाह देखा आउट ऑफ शेप हो गए, खुद को खुद ही मैंने नजर लगा दी. रुके मैं इसको हाथ से इसकी शेप सही करूंगी, कुछ मैं अपनी इज्जत रखूंगी, कुछ तो मैं रख ही लूंगी. नहीं मुझे लग रहा है बहुत पतली हो गई है और अब ये टूट सकती है, इसमें मैं राउंड नहीं कर सकती इसको. शुरू में मैं राउंड बन रही थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है अब ये इससे ज्यादा पतली करूंगी तो ये टूट जाएगी. मुझे लग रहा है नीचे से भी नहीं उठेगी. अलमिया नहीं, अलमिया नहीं, ओके ओके उठ जाएगी उठ जाएगी. अच्छा मैं दोबारा से जो है चूल्हा जलाती हूँ. ओके इनकेस जिन लोगों ने पहले नहीं देखा वो अब देखेंगे कि चूल्हा कैसे जलता है. प्लीज आप कैमरा चूल्हे पे रखिएगा. मम्मा जी मुझे बहुत डर लगता है. ओ शिट, बहुत बुरा होता है ये मेरे साथ, बहुत बुरा होता है, बहुत ही ज्यादा बुरा होता है. अच्छा जी अब मैं इसके ऊपर तवे पर रखूंगी, ठीक है. तेल वेल तो नहीं डालना होता ना, तेल तो सिर्फ पराठे में डालना होता है ना. मुझे थोड़ा गूगल तो कर लेना चाहिए था अपनी इज्जत बचाने के लिए. अच्छा इसको थोड़ा सा गर्म होगा, वेट करिए. चिमटा कहाँ है, चिमटा भी होता है ना. ये रहा, सी आई नो व्हाट चिमटा इज गाइस. सबसे मुश्किल पार्ट था चूल्हे को जलाना. रोटी मेरी बिल्कुल भी गोल नहीं है, शुरू में गोल बनी थी थोड़ी बहुत, और कोई बात नहीं, फॉर अ बिगिनर दिस इज नॉट बैड. मुझे पता है कि भूना हुआ आटा मिला, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उसके बाद ही मेहनत होती है. बिस्मिल्लाह, आप लोगों के सामने मैंने इतना शेर बन के इसके ऊपर रख दिया है, वरना मैं जो हूँ ना मैंने इसको फेंकना था. हाँ यार विल यू वांट टू डू दैट, लेकिन ये टूट जाती है. और यार देखो पता है बड़ा मसले मसाइल हो गए हैं इसके साथ यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं. पेट में घर का खाना जाना भले थोड़ा सा टेढ़ा मेरा, इज बेटर देन बाहर का खाना जाना, राइट. सी आई एम सो स्मार्ट. ओके इसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑयल पहले से लगा हुआ था. अच्छा वैसे मैंने सुना कि अगर आप रोटी के को भूनते हुए ना, मतलब जो मैं पेड़ा बना रही थी उसके अंदर लाइट सा ऑयल लगा दें, नॉट फॉर पराठे वाला, आई थिंक पराठे में तो ज्यादा जलते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लाइट सा लगा दें तो उससे ना थोड़ी सी गर्म रोटी बन जाती है. यार बिल्कुल रोटी जैसा बन रहा है जो भी बन रहा है. अब ना मुझे थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता करना चाहिए. एक मिनट, इतना ही कोई खतरनाक जल्लाद जालिम किस्म का चूल्हा है ना कि इस पे हल्की आंच पे कोई चीज बन ही नहीं सकती. मुझे इसके ना ऐसे ही करवाना. अच्छा मैं वो वाली ट्रिक भी करने की कोशिश करूंगी जो मेरी अम्मी करती है, आग पे रख लूंगी रोटी ताकि रोटी थोड़ी सी फूले, लेकिन नहीं गिरी फूलेगी क्योंकि बहुत मोटा पड़ रहा था. मुझे तो लगता है इससे आगे लोग मेरी ब्लॉग ही नहीं देखेंगे, आज वो बोलेंगे ऐसी यूजलेस लड़की है ये.
है ये वाली चीज नहीं फूट रही कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अंदर हो रहा है यार लेकिन आई एम नॉट बैड अब ऐसा कि मैं खुद आप लोगों को अपनी अपने फ्लॉज बताऊं रोटी के तो वो ये कि उसकी शेप खराब है दूसरा इसमें मैंने आटा बहुत ज्यादा पेड़ा बहुत मोटा बनाया था तीसरा इसके ऊपर मुझे थोड़ा थोड़ा पाउडर नजर आ रहा है लेकिन फिर भी जो है ना मैं इसे खा लूंगी अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोटी तो बना ली मैं सालन कैसे बनाऊंगी कैसे नहीं बनाऊंगी चप्पल मेरे पास उतर चुकी है तो सालन ऑलरेडी बना हुआ था थैंक गॉड कल मेरा जो कुक था वो सालन बना के रखे गया था तो वो तो फ्रेश होता ही ना एक दिन के बाद का आप खा सकते हो तो उसमें इतना इशू नहीं होगा सालन बना हुआ रोटी का मुझे इशू होता है ज्यादा तो ये मैं रोटी खा लूँगी ओके गाइस फाइनली मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ और वो रोटी खा ली जो मैंने बनाई थी इतनी बुरी भी नहीं थी थोड़ी सी मुझे लगा था कच्ची है बट इट वाज फाइन अच्छा लेकिन मुझे नाश्ता करते हुए एक ख्याल आया और वो ये था कि रोटी बनाने वाली व्लॉग बहुत लंबी नहीं हो गई मतलब मुझे पता है कि मैंने रोटी बनाने से पहले आप लोगों को बताया था कि मैं जो हूँ आज मेरे पास एक कंटेंट है जो मैंने जिसके ऊपर मैंने अपनी व्लॉग बनानी है जो कि बड़े मजे का है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज देखें जो मैंने एक्सपीरियंस की कुछ एक्सपीरियंस करने पे वो व्लॉग है तो वो मेरा आज का कंटेंट है था नहीं है लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो व्लॉग मैं अलग से बना लेती हूँ और ये मैं सिर्फ रोटी तक ही रहने देती हूँ बिकॉज अदरवाइज वो इतनी लंबी चौड़ी ड्यूरेशन हो जाएगी कि आप लोग जो है ना मुझे इतने देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना आप लोग ये चीज़ सही से समझ पाएंगे खैर रोटी में कुछ समझने वाली बात नहीं थी लेकिन दूसरे वाले में समझने की बात है और ना आप लोग वो चीज़ सही से देख पाएंगे तो जब भी मैं वो ब्लॉग लगाऊंगी जो कि आई थिंक अलग से अब लगेगी इसके साथ नहीं लगेगी तो मैं ये करूंगी कि मैं उसकी स्टार्टिंग में बता दूंगी कि ये वही वाली ब्लॉग है जो रोटी के टाइम पे मैंने बनानी थी रोटी से याद है क्या लिखा है ईट लेस लव मोर है डाई एनीवे नहीं नहीं डाई एनीवे वाला चक्कर नहीं है लिव वेल Love much, laugh often. ओके गाइस सो आज के ब्लॉग जो है फिर हम लोग सिर्फ रोटी तक रखते हैं और जो वैसे मुझे आज जो सब कुछ करना है वो मैं करूंगी रिकॉर्ड भी होगा लेकिन वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा